गाइस, आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं तो अभी यहाँ पे मेडिकल में ही हूँ। तो आज जो है पापा को डिस्चार्ज दे देगा। आज डॉक्टर आया था अभी, तो बोला कि आज डिस्चार्ज दे देगा। और जो पापा का जो ड्रेसिंग है, ये देखिए, जो पापा का जो ड्रेसिंग है वो मतलब डेली करना पड़ेगा घर में। तो कैसे करना है, तो इसमें यहाँ से सामान वामान लेके जाना पड़ेगा, और या तो फिर कोई जो जानने वाला मेडिसिन वाला उसको बुला के कराना पड़ेगा। ये देखिए बाहर में कुछ ऐसा है मौसम, तो आज देखते हैं अभी क्या होता है आगे। ये है सुबह 5 बजे का व्यू। मैं क्योंकि जल्दी सुबह उठ गया था तो उसी का ये व्यू है। ये देखिए आप सुबह का मॉर्निंग। जिंचो बाबा न करनो आबा तो खाली खुट्टा एकदम न बसनो आबा, ठीक छ, खाली खुट्टा न बसनो आबा। तो अभी पापा का जो है डिस्चार्ज हो गया है। तो अभी हम लोग बाकी बिल पेमेंट भी सारा हो गया, कार्यवाही डॉक्यूमेंट जितना भी है सारा कार्रवाई हो गया। तो पापा को अभी रेडी कर रहा हूँ, तो अभी निकलते हैं। अभी पहले डॉक्टर से थोड़ा मिलेंगे, कुछ पापा का रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट दिखाना है। उसके बाद में फिर मेडिसिन कुछ लेंगे इधर से, मेडिसिन और ड्रेसिंग का सामान, और उसके बाद में फिर निकल जाएंगे। तो पापा अभी रेडी हो रहे हैं। तो आज करीबन 8 दिन हो गया मेडिकल का। तो अभी अभी आपको टाइम हो गया है 1:19 हो गया। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल जाएंगे। तो पापा को अभी रेडी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में हाथ का जो केंडुला है वो भी निकाल देंगे। ये देखिए हाथ में लगा हुआ है। तो आज का ड्रेसिंग ये रहा, आज जो ड्रेसिंग कराया था। ये देखिए बस तो लाया मेडिकल में, बस तो लाया मेडिकल, बस तो थे राम थे ना मेडिकल। तो फैसिलिटी अच्छा था मेडिकल का, जो भी है सारा कुछ अच्छा था फैसिलिटी। और जितने भी नर्स और सारे जो स्टाफ जो मेंबर और मेंबर्स आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच जी एन आर सी सपोर्ट। तो ये बहुत ही बढ़िया मेडिकल, बहुत ही अच्छा। अगर आप ये मेडिकल में आने चाहते हैं तो आइए और यहाँ पे इलाज कीजिए, तो अच्छा है। बहुत ही सारे जितने भी स्टाफ है सारे सपोर्ट वाले हैं, सपोर्टफुल है। तो यहाँ पे आ सकते हैं आप लोग। तो अभी निकलते हैं। ट्रीटमेंट हो रहा था, आपने एक बार हाथ दिखा दिखा आपको, तो इस इनका भी ट्रीटमेंट, इनका भी आज डिस्चार्ज हो गया है। तो इन लोग भी जाएंगे आज, तो हम लोग के साथ में ही थे इधर का बेड में बगल में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखिए पापा वहाँ पे व्हीलचेयर में, तो अभी यहाँ से निकल जाएंगे हम लोग। तो पहले डॉक्टर को थोड़ा दिखाएंगे रिपोर्ट, उसके बाद में फिर हम लोग आगे की ओर में निकलेंगे। तो आज जो धूप भी है जो है बहुत तेज़ ज़बरदस्त लगा हुआ है धूप। ये देखिए पूरा तेज़ लगा हुआ है धूप, ये देखिए बहुत तेज। और ये बतख जो है यहीं पे नहा रहा है, देखिए ये देखिए बतख, ये सब है मेडिसिन। सारा कुछ जो है वो कर लिया है, सारा जो रिपोर्ट वोट भी दिखा दिया, और तो रिपोर्ट भी ठीक ही है। तो बाकी सिर्फ क्या है कि ये मेडिसिन वेडिसिन और ड्रेसिंग जो है अच्छे से करना पड़ेगा बता रहे हैं। तो वो लिखना पड़ेगा दोबारा ड्रेसिंग करने के लिए, एक दिन में लिख आना पड़ेगा 3-4 दिन लगातार उसके बाद में। तो अभी चल बस निकलते भी हैं, आगे की ओर में जा रहा हूँ। आगे में गाड़ी वहाँ पे लगा हुआ है, तो गाड़ी ले जाता पापा वहाँ पे व्हील चेयर में रखा हो, तो वहाँ से अभी निकलते हैं फिर। तो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी घर में। तो पापा को अभी गाड़ी में बैठा दूँगा, अब यहाँ से गाड़ी आज इतना दिन के बाद में निकल रहे हैं यहाँ से। अभी आज फिर 8 दिन के बाद हम निकल रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं आगे। तो फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी बस गाड़ी में बैठ
फाइनली पापा भी जब जा रहे हैं तो बाय बाय मेडिकल को आएंगे ऐसे ही। उसमें क्या होता है ड्रेसिंग कराने तो आना ही पड़ेगा, तो ड्रेसिंग करा के आने के लिए आएंगे दो दिन के अंदर दिल्ली आएंगे अभी। फ्रेश हो गया पापा भी आके नहा लिया तो अच्छे से नहा दिए। ये देखे ये देखा है बैठ के इतनी दिन के करीज इतना है रेवन अगड़िया अगड़िया आई जा
पापा भी नहा के अभी आ गए मेरा पति, तो अभी ड्रेसिंग करना पड़ेगा, इसीलिए अभी ड्रेसिंग उसिंग करना पड़ेगा अच्छे से। तो अभी कल ड्रेसिंग करना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कल, या तो फ़ोन करके जो नंबर लिया हुआ है तो उसको फ़ोन करके या तो बुलाना पड़ेगा या तो फिर वहीं पर जाना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो भतीजा भी, मेरा बड़ा वाला भतीजा भी आया हुआ था बेंगलोर से, कल ही आया हुआ रात को, तो वो अभी फिलहाल अपना उसमें गया, ससुराल में गया हुआ है, तो घर में आके ये रहा, ये बदमाश, ये रहा पढ़ाई वढ़ाई कस्तो भाई, हाँ हाँ प्रोजेक्ट सबमिट किया, हाँ क्यों के कहा दिन चम्बले भान दे तो, हाँ प्रोजेक्ट करना, हाँ मैं बोल दूंगा, तो इतने दिन पढ़ाई करीस ना राम रोले या खेली राखी कितना यार, आज पूरा 8 दिन हो गया, मतलब मैं गया था मंडे को गया था, तो आज मंडे पूरा 8 दिन हो गया, तो आज अभी घर में आया तो अभी बहुत ये भी झूल उल काट के बैठा हुआ ये रहा, बच्चों का एग्जाम भी चल रहा है अहिले कस्तो बाबू आवाज थोड़ा कम, अहिले कस्तो अहिले अहिले दुखे जागे अहिले कस्तो लागेछ कपाल अहिले हेरेर यति दिन राम्रो लागेछ सफा हो रहा है नत्र मेडिकलमा मेडिकलमा फेरि ऊ कारण बुढा ऊ हुन्छ न एकदम बदन बदन एकदम ऊ भइहाल्छ बदन एकदम ऊ भइहाल्छ यही कारण मेरा बहुत दिन के बाद में आया अभी ये देखे यहाँ पे अभी उनका बाहर में कुछ ऐसा है, अभी थोड़ा सा ठंडा हुआ है, थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा वेदर थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो देखिए रात का वेदर कैसा रहता है, थोड़ा शायद बारिश आएगा क्या, अब तो वहाँ पे बारिश आया था, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हुआ था, सुबह भी हल्का फुल्का वहाँ पर मेडिकल वहाँ पर बूंदाबांदी हुआ था, अभी देखें क्या होता है, कल गाड़ी भी थोड़ा वॉश करना पड़ेगा और कल तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।